डिजिटल इंडिया अभियान को और गति देते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की शुरुआत की है। इसका मकसद छात्रों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना है। इसमें अपने प्रमाण पत्रों को कहीं से भी देख पाना संभव होगा और साथ ही प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा। अगर आपकी डिग्री, सर्टिफिकेट या मार्कशीट खो जाए या चोरी हो जाए तो जाहिर तौर पर आप बेहद परेशान होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की एक नई पहल ने इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। सरकार ने आपके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के मकसद से नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD की शुरुआत की है। यानी आपके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे और इनके खोने या चोरी होने का भी कोई डर नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UGC की पहल से नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की शुरुआत की गई है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थान छात्रों को दी जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा या मार्कशीट ऑनलाइन ही NAD में अपलोड कर देंगे। देश के सभी शिक्षण संस्थानों को एकेडमिक डिपॉजिटरी से जोड़ा जाएगा। छात्रों को इसका ये फायदा होगा कि वो दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी सिर्फ आधार नंबर या NAD नंबर के जरिए अपने प्रमाण पत्रों को देख सकेंगे। साथ ही इन प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा। वर्तमान में देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 365 राज्य विश्वविद्यालय, 123 डीम्ड विश्वविद्यालय और 269 निजी विश्वविद्यालय हर साल करीब 1.5 करोड़ छात्रों को डिग्री प्रदान करते हैं। साथ ही CBSE, ICSE और विभिन्न राज्य बोर्ड भी हर साल करीब 3.5 करोड़ छात्रों को प्रमाण पत्र देते हैं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इन छात्रों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखेगा। इसका फायदा छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ देश और विदेश के नियोक्ताओं को भी होगा। निशांत सौरभ, DD News, दिल्ली।